वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं ऑन द बिहाफ ऑफ स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल। और आज की शुरुआत जो है, मैं क्लास नाइन्थ की बिहाई बुक की पोएम जो है, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, उससे करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले दो स्टिंजा पढ़ लिए हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। आज मैं स्टेंजा नंबर थर्ड जो है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सभी स्टेंजा इम्पोर्टेंट है वैसे तो, पर इसमें पोएट जो है अपने उस मंथन को जो उसने अपने अंदर किया है उसको उजागर करना चाह रहा है। क्योंकि जब उसने डिसीज़न लिया, जब पोएट ने चॉइस की किसी भी चीज़ की, जब उसने डिसीज़न मेकिंग की, तब चलते चलते उसे बीच में ऐसा भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझसे कोई गलती हो रही है। अक्सर हम किसी भी चीज़ का चुनाव करते हैं तो जब चुनाव हो जाता है उसके बावजूद भी हमें डर रहता है, दिमाग में थोड़ा डाउट रहता है कि मैंने जिस चीज़ का चयन किया है क्या यह सही है, और उसको थोड़ा सा टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो निर्णय जो है हमारा कितना प्रभावशाली रहा और उसके क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या उसके नुकसान हुए हैं। तो हालांकि फ़ायदा और नुकसान तो आखिरी स्टेंजा में है इसका, जो इसका लास्ट स्टेंजा है उसके अंदर, पर फिलहाल ये स्टेंजा नंबर थर्ड, और टोटल इसमें कितने 4 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 5 लाइनें हैं। There are 5 lines. Five lines in each stanza. हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? 5 लाइन है। अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो स्टेंजा नंबर 4th पर होगा। उसके बाद में इसमें लिटररी डिवाइसेस कहाँ कहाँ इस पोएम में यूज हुए हैं वो बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेशक भले ही क्वेश्चन ना पूछे जाए, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं और किस जगह लिटरेरी डिवाइसेस को कैसे पहचाना जाता है पोएम के अंदर। तो अब तक के स्टेंजास का थोड़ा ब्रीफिंग दे देता हूँ मैं। पहले स्टेंजास में पोएम में लिखा हुआ है, पोएट ने डिस्कस किया हुआ कि दो रोड जो है वो एक जंगल के अंदर पोएट हैं, यहाँ पर वो दोनों रास्ते जो होते हैं वो डाइवर्ट्स थे, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मुड़े हुए थे। पोएट काफ़ी कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा रास्ते पे चलना चाहिए, फिर उनको अपने आप से सॉरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैं अकेला यात्री हूँ, एक समय में दो रास्ते इख्तियार नहीं कर सकता, दो रास्तों पर नहीं चल सकता। फिर वो बोलते हैं मैं अकेला यात्री काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा, उसके बावजूद मैंने दोनों रास्तों को निहारा और मुझे जो सही लगा उस रास्ते को मैंने चुना। दूसरे स्टेंजा में क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि मैंने एक रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को अपना लिया और आगे बढ़ा जस्ट एज अ फेयर, जैसा कि मुझे लगा कि ये रास्ता सही है, एंड हैविंग द परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऐसा लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है। इस बात का क्लेम कौन करते हैं? कवि खुद ही करते हैं। फिर बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वर्क, मतलब ये ग्रासी था और थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, इसलिए उन्हें लगा कि यही रास्ता मैं अपनाऊंगा। क्योंकि अक्सर जो रास्ते कठिन होते हैं वो रास्ते हमें बहुत अच्छी मंजिल तक पहुंचाते हैं, बहुत अच्छे नतीजे देते हैं लाइफ में। कहा जाता है नो गेन विदाउट पेन, बिना पेन के जो है गेन नहीं, तरक्की नहीं। आगे इसी के दो, एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, उसके बारे में मैंने आगे चल के यही पाया कि दोनों रास्ते जो है मुझे जो पहले कठिन प्रतीत हो रहा था वो रास्ता मुझे ईजी लगने लग गया, अच्छा लगने लग गया। ठीक है, उसके बाद के स्टेंजा में आपके सामने ही है स्टेंजा उसके बाद का, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह की बात है, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, इक्वली ले, दोनों रास्ते ऐसे सामने इक्वली एक जैसे, इक्वली मतलब
एक जैसे बराबर से लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड बीन ट्रोडन ब्लैक, मतलब ये लीव्स की बात कर रहे, कौन सी लीव्स जो पेड़ से टूटकर रास्ते में गिरी है और जिसकी वजह से जमीन कैसी हो गई, पूरी येलो कलर में है। तो येलो कलर की जमीन है, और अगर वहां से कोई चला होता, वहां से कोई गुजरा होता तो क्या होता, जहां पीले पत्ते पड़े हैं सूखे हुए, उसके ऊपर पांव देने से अंदर की मिट्टी जो है काली वो दिखने लग जाती, जिससे वहां कौन से कलर का हो जाता, वो ब्लैक कलर का हो जाता, क्योंकि पत्ते पिसा जाते हैं पांव से। तो दोनों रास्तों पर कवि को ब्लैक कलर नहीं दिखा मिट्टी का, इसका मतलब वहां पत्ते पड़े हुए थे, किसी के चलने से वो पत्ते जो है खराब नहीं हुए, पिसाए नहीं। तो दोनों जो है उस दिन एक जैसे प्रतीत हो रहे थे, और दोनों में किसी ने नो स्टेप्स हैड बीन ट्रोडन ब्लैक, किसी के पांव से वहां पर पीले कलर से काले कलर में परिवर्तित वो जमीन नहीं हुई, क्योंकि कोई चला ही नहीं वहां पर। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, और मैंने क्या किया, पहले वाला रास्ता, फर्स्ट वे जो था, पहला जो रास्ता था, पहली जो चॉइस थी मेरी, उसको मैंने फिर कभी के लिए छोड़ दिया। फिर कभी के लिए मतलब इसको मैं फिर कभी आऊँगा इधर, और फिर जब आऊँगा तब इस रास्ते भी चल के आगे तक देखूँगा मैं कि क्या है आगे, कैसा है, पर फिलहाल तो मुझे एक ही रास्ता चुनना है दो में से। येट नोइंग हाउ द वे लीड्स ऑन टू वे, किस प्रकार रास्ते जो है रास्तों को बनाते हैं, ये जानते हुए, पोएट ये जानते थे कि रास्ते जो होते हैं वो रास्ते रास्तों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, आप यहाँ से भोपाल जाएंगे मान लो एक रास्ते से, तो भोपाल जाके आपको दो रास्ते मिलेंगे, फिर आगे चलकर आपको चार रास्ते मिलेंगे। ऐसे ठीक एक गांव से दूसरे गांव भी जाते हैं आप, तो वहां पर भी बहुत सारी चॉइसेस होती है। तो अपने जीवन में भी आगे जब बढ़ जाते हैं तो उससे आगे की चॉइस आपके पास में होती है, उससे बैक साइड आने की चॉइस आपके पास में नहीं होती है। तो ये जानते हुए, गेट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, किस प्रकार रास्ते जो होते हैं वो रास्तों का निर्माण करते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ, किस बात का, इफ यदि आई शेल एवर कम बैक, क्या मैं वापस इन रास्तों पे कभी आ पाऊंगा। बहुत बार क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, के बहुत बार हम कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करने के लिए जाते हैं। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने साझा करना चाहूँगा। ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे क्या होता है कि हम थोड़ी दूर कोई अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है और हमें समय की पाबंदी की वजह से हम जा नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि कभी और जाएंगे और आगे फिर आएंगे इधर और तब चले जाएंगे, और वो आखिरी में आपके लाइफ की एक पेंडिंग हिस्ट्री ही रह जाती है, आप उस रास्ते पर कभी नहीं जा पाते। तो पोएट का खुद का जो अनुभव है, जैसा कि पहले पढ़ा हमने कि ऑर्डिनरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो उनका खुद का अनुभव ये कहता है कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। बोल तो रहा हूँ मैं कि मैं वापस आऊँगा, इस रास्ते पर चलूँगा, पर क्या ऐसा कर पाते हैं, नहीं। तो यही पोएट का एक्सपीरियंस है। इसके लास्ट का स्ट्रिंजा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, तब तक इस स्ट्रिंजा को अच्छे से पढ़ें। हर वर्ड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।